फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि नेम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि ईटिंग से रिलेटेड ये डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कोई भी इंसान या तो बहुत ज़्यादा खाता है या फिर बहुत कम खाता है, यानी उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है या ओवर ईटिंग कर सकता है जिससे उसका वेट गेन हो सकता है। सो ये सारी जो हार्मफुल चीज़ें हैं ये एक डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है, यानी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है रिलेटेड टू द ईटिंग उसको हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में कंसिडर करते हैं। और इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो DSM-5 में मेंशन है, और ये इस तरह आपकी डेली लाइफ जो है, आपकी फंक्शनिंग, सब कुछ जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है उसको। पीका डिसऑर्डर है जिसमें आप नॉन फूड सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं। रूमिनेशन है जिसमें आप रिगर्गिटेशन करते हैं। अवॉइडेंट डिस्ट्रिक्टिव में आप अवॉइड करते हैं फूड को। एनोरेक्सिया नर्वसा है, बुलिमिया नर्वसा है, बिंज ईटिंग में आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो इन डिसऑर्डर्स को भी हम वन बाय वन डिस्कवर करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स, फर्दर वीडियोस, और इनकी अलग से वीडियोस बनेंगी और इसके अलग से ओवरव्यूज होंगे कि ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सो दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स, और इनका ओवरव्यू जो है वो हम लेंगे। एंड लेट्स डिस्कवर दिस वन बाय वन इन फर्दर लेक्चर्स एंड जॉइन द कम्युनिटी सो दैट यू हैव गॉट द ऑल द डिसऑर्डर्स वीडियोस एंड शेयर दिस विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, सो दैट उनके भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, स्पेशली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एंड टू बी इन साइकोलॉजिस्ट इन फ्यूचर। सो उनके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। शेयर दिस विद अदर्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।